बाप रे बाप रे, बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा। Hey, good morning guys, welcome back to our channel once again. So, आज हम आए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए, जिसपे हम 3 दिन सब टाइगर सफारी करेंगे, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4. So, आज हमारी फर्स्ट डे की मॉर्निंग सफारी जोन 2 में रहने वाली है, जिसपे हम कैंटर में जा रहे हैं और होप करते हैं कि अच्छी टाइगर साइटिंग होगी. और वीडियो पे बने रहिए, वीडियो के एंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई जाएगी कि रणथंभौर नेशनल पार्क की टाइगर सफारी ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं. हमारी कैंटर स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा कैंटर है. अभी यहाँ पे रुक रुक के अलग अलग होटल से लोगों को हम पिक करेंगे, उसके बाद हम पार्क में एंट्री करेंगे. तुम जाना है तो यहाँ पे चले जाइए, एक यही जगह है, फिर आगे कोई जगह नहीं है. वॉशरूम सो पार्क में एंटर करने से पहले यहाँ पे एक स्टॉप लिया जाता है. अगर किसी को फ्रेश होना है तो यहाँ पे वो लोग फ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि पार्क में एंटर होने के बाद आपको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. तो 2 से 3 घंटे आपको सफारी करनी पड़ेगी. तो लंगूर कितने पास बैठे हैं. तो ये टोटल जो पार्क का एरिया है ये 1734 स्क्वायर किलोमीटर का है. रणथंभौर फेमस है टाइगर के लिए, रणथंभौर फेमस है टाइगर के लिए. टाइगर के अलावा लेपर्ड भी है, स्लॉथ बियर भी है, हाइना भी है, जैकल्स भी हैं, परक्यूपाइन भी है, स्नेक की स्पीसीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं, और एक बहुत ही अच्छा ट्रेन भी है. मतलब ये अरावली माउंटेन्स जो है, एक बहुत ही सुंदर जो दृश्य मिलता है वो रणथंभौर में, ये क्रिटिकल हैबिटाट है टाइगर का. तो टाइगर को ट्रैक करने के लिए आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको टाइगर देखना है तो आपकी शांति बहुत ज़रूरी है. हम टाइगर को ट्रैक करने के लिए सुनना पड़ता है हमें. किसी भी टाइगर के कोई कॉलर आईडी नहीं लगी हुई है, कोई भी जीपीएस ट्रैकर नहीं लगा हुआ है. हम ट्रैक करते हैं जब इनको मंकीज़ को, स्पॉटेड डियर को, सांबर डियर को टाइगर जब दिखता है तो ये अलार्म करते हैं, अलार्म कॉल करते हैं, तो उसको सुनते हैं. उसके सुनने के लिए आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है. वो मिस किया मतलब टाइगर मिस किया. दूसरा करते हैं हम फुटप्रिंट से. टाइगर जब रोड पे चलता है तो उसके पंजे आते हैं, तो फुटप्रिंट पुराना है कि मेल का है कि फीमेल का है, सबका अलग अलग होता है. फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है. इस जोन में जो है 5 फीमेल हैं, 3 मेल टाइगर की क्रॉस टेरिटरी है और 3 बच्चे हैं. ऑल टुगेदर 11 इंडिविजुअल टाइगर्स हैं. अभी देखते हैं कि कितने मिलते हैं. सिर्फ जोन 2 में ही, जोन टू में 8 ऑल टुगेदर 8 टाइगर्स की क्रॉस टेरिटरी है. क्रॉस टेरिटरी मतलब एक जंक्शंस जहाँ से वो क्रॉस करते हैं, वो 8 टाइगर की क्रॉस टेरिटरी है, जिसमें से 3 बच्चे अलग हैं, एक माँ है, उसके सब अडल्ट कब्ज हैं, 3 कब्ज हैं, उसको उसके चांसेस हैं, उसका नाम नूरी है. तो ये जो एरिया है 2 नंबर का, कैंटर से अगर आप आते हैं तो मेल 120 गणेश और रिद्धि का एरिया आता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद एरो हेड एक फीमेल है उसका आता है, फिर वहाँ से आके 101 का आता है, दूसरा एक मेल है, फिर नूरी विथ 3 कप्स उसका आता है, T60 और T57 और एक 119. ये ऑल टुगेदर 11 टाइगर्स हैं. अभी देखते हैं हमारा लक कैसा है कैसा नहीं है. तो आप शांति बनाए रहिए, कहीं भी अगर कहीं रोकना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया हमें रोकना है, कुछ ये सांबर देखना है, डियर देखना है. अर्ली मॉर्निंग वैसे अभी हम जो एंटर किए हैं, टाइगर ट्रैक करने के लिए अच्छा है. लंगूर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर ये तो कॉमन है, दिखते रहेंगे. जब फालतू टाइम होगा, टाइगर के अलावा कहीं खड़े होंगे, तब उनको आराम से देखें. तो मेल टाइगर का रिक्वायरमेंट रहता है 35 to 40 square meter एरिया का, 35 to 40 square meter एरिया का, और फीमेल रिक्वायर 12 to 18 square meter एरिया. तो एक मेल टाइगर की में 2 से 3 फीमेल रहती है, मतलब एक मेल टाइगर 2 से 3 फीमेल को कंट्रोल करता है, वो कहीं भी आ जा सकता है. टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर 80 टाइगर्स हैं और पार्क का एरिया 1734, उसमें से सिर्फ 20% ही अलाउड है टूरिज्म के लिए. वो 20% भी 1 to 10 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, तो एक जोन का मतलब 2%.
चलते हैं धीरे धीरे, क्या क्लू मिलता है। कॉल वॉल का है नहीं, कोई कॉल नहीं है। पार्क एंटर होते ही यहाँ पे लंगूरों की झुंड, साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत मोर आपको देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप आगे देखोगे मोर नाचते हुए। सो गाइस, काफ़ी देर बाद यहाँ पे कॉल हुई है और हो सकता है कि टाइगर आए यहाँ पे। तो सारी जिप्सी यहाँ पे रुक गई है, थोड़ा वेट करते हैं कोई अलार्म कॉल आती है, ये डियर वगैरह जैसे टाइगर देखता है। तो हम आगे तक गाड़ियाँ चेक करके आ गए हैं जो सबसे पहले एंट्री की है जिप्सियों ने, तो अभी कोई क्लू नहीं है। टाइगर है तो थोड़ा लेट मूवमेंट करेगा। लगभग एक घंटे सफारी करने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है। अगर किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को फ्रेश होना है, वो यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। तो अभी तक तो कोई मेजरली टाइगर दिखा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी साइटिंग है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी मानसून स्टार्ट होने वाला है तो काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीकॉक्स हैं और स्पॉटेड डियर काफ़ी स्पॉट किए हैं और लंगूर्स बहुत हैं। तो अभी होप फॉर द बेस्ट कि टाइगर भी जल्दी मिल जाए। बच्चे भी बाबू एक क्या है, 120 है वो ना, दिख रहा है बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा। अब रुक जाओ, इधर आएगा इधर आए सर, नहीं दिखा टाइगर दिख गया, टाइगर देखो मेरा बड़ा सारा अल्लू बना ले। बहुत आगे है, सो बिग दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ओह माय गॉड, सो गाइस ये है T120 मेल टाइगर गणेश। अभी हम है जोन 2 में, जोन 1 से जोन 6 इसकी टेरिटरी रहती है
और ये काफ़ी ह्यूज और मैसिव टाइगर, आप इसकी बिल्ड दे सकते हो। अभी 3 दिन पहले ही इसने स्लॉथ बियर किल किया था और 1 हफ्ते पहले एक लेपर्ड किल किया था। लोग इसे किलिंग मशीन भी कहते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक। सो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो रणथंभौर नेशनल पार्क सफारी बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन सी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप जाकर सफारी बुकिंग कर सकते हो रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कैसे आप रणथंभौर नेशनल पार्क सफारी बुकिंग कर सकते हो, कैसे आप कैंटर सफारी बुकिंग कर सकते हो, कैसे आप जिप्सी सफारी बुकिंग कर सकते हो और क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं और कौन कौन से जोन्स रणथंभौर नेशनल पार्क में अवेलेबल है जहां पे आप जाके सफारी कर सकते हो। सो सबसे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क बुकिंग करने के लिए अगर आप गूगल में कभी सर्च करोगे तो कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी एजेंसी के वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एजेंट के थ्रू सफारी बुक करोगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली लगेगा। बेटर यही रहेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पता हो तो आप डायरेक्टली जाकर खुद से बुकिंग कर सकते हो, वो भी वेरी नॉमिनल रेट पे। सो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट जो रणथंभौर नेशनल पार्क की है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि है fmdss.forest.rajasthan.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस लिंक पर जाओगे तो ये वेबसाइट इस तरह खुल के आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इधर जाना है, SSO लॉगिन करना है। SSO लॉगिन करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं जस्ट लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। मैंने अपना ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मैं आप जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो जब भी आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको वेबसाइट कुछ इस तरह दिखने लगेगी। सो आपको सबसे पहले नीचे यहाँ पे लिखा होगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद सिटीजन सर्विसेज में आपका ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जब यहाँ पे खुलेगा तो कई सारे आपको टैब मिलेंगे, उसके अंदर सबसे पहला आपका टैब होगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म परमिशन, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व पे क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करोगे उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व एडवांस बुकिंग, रणथंभौर टाइगर रिजर्व तत्काल में जिसको बुकिंग करनी है, ये काफ़ी कॉस्टली रहता है, और हाफ डे की सफारी है, फुल डे की सफारी है। हाफ डे की सफारी करीबन मैं आपको दिखाई देता हूँ। फॉर फॉरिनर्स के लिए हाफ डे की सफारी अगर पूरी जिप्सी बुक करते हो 29,443 लगेगा और फॉरिनर्स के लिए 37,832। ये अमाउंट जो मैंने आपको बताया हाफ डे की सफारी के बताया, और फुल डे का सफारी आपको लेना हो तो 54,505, फॉरिनर के लिए 70,214। सो काफ़ी कॉस्टली है। सो इसको छोड़ते हैं, आपको जो बुकिंग करनी है सबसे पहले टैब में क्लिक करना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व एडवांस बुकिंग पे। तो बुकिंग करने के लिए आपको यहाँ पे भी कई सारे लिंक्स हैं, क्लिक हियर, बुकिंग प्रोसीजर लिखा है, फी डिटेल्स लिखा है, चेक अवेलेबिलिटी लिखा है, बुक नाउ। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप चेक अवेलेबिलिटी चेक करो, क्योंकि नेशनल पार्क इस टाइम में काफ़ी मतलब भरा रहता है, क्योंकि लोग पहले से प्रायर बुकिंग करके रखते हैं। तो बेटर यही रहेगा आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन कौन से डेट्स में आपकी सफारी अवेलेबल रहे और डायरेक्टली आप बुक कर सकते हो वहाँ से। जैसे कि आप यहाँ पे आप गए, जून का महीना चल रहा है इस टाइम पे, हमारी ऑलरेडी बुकिंग है 28, 29, 30 की। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे आप सफारी बुक कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर 28th ऑफ जून की आप बुकिंग देखते हो, आपने रणथंभौर यहाँ पे नेशनल पार्क सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट आपको मॉर्निंग सफारी चाहिए, इवनिंग सफारी चाहिए। लेट्स सपोज आपको मॉर्निंग सफारी चाहिए, आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके
सबमिट करना है, उसके बाद ये सारा लिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क जोन 1 से लेके जोन 10 तक सारी डिटेल्स आ जाएगी कैंटर एज वेल एज जिप्सी सफारी के लिए। सो जोन 1 में कैंटर आपको 80 अलॉटेड है, जिसमें से सारी बुक्ड है मेरे ख्याल से, इसलिए नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है यहाँ पे। जो अवेलेबल है मैं वो आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे जोन 1 में जिप्सी सवारी अवेलेबल है, 18 सीट्स है जिसमें से 10 बुक्ड है, मतलब 8 सीट्स अवेलेबल है, आप जोन 1 बुक कर सकते हो। और मैं देखूँ, और मोस्टली आप देखोगे सारे बुक्ड है, सारे ऑलमोस्ट बुक्ड है, क्योंकि ये पहले ही बुकिंग करके रखते हैं। या तो एक और तरीका है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए, वाइल्ड लाइफ बुकिंग पे जाइए, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आप क्लिक करिए और सीधा बुक नाउ में क्लिक करिए। आप बुक नाउ में आप क्लिक करोगे या सिलेक्टेड एरिया में आप रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में सेलेक्ट करो, जोन सेलेक्ट करो। लेट्स सपोज आपको जोन 2 देखना है, जोन 2 देखना है और 28 की सफारी आपको देखनी है, 28 में क्लिक करना। मॉर्निंग सफारी आपको देखनी है, आपको जिप्सी चाहिए, कैंटर चाहिए। लेट्स सपोज मैं कैंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे कैसे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये फिल करने के बाद आपको अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। जैसे यहाँ पे करंटली अवेलेबल सीट है, 80 सीट अवेलेबल है कैंटर में, और व्हीकल मेंबर फीस है 29 रुपीस। ये सफारी के चार्जेस है, कैंटर के चार्जेस ये नहीं है। आपको मैं ये फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कितनी चार्जेस आपको पे करने होंगे। ऐसे सो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपनी और मेरी वाइफ की इन्फॉर्मेशन फिल करी है, तो दो लोगों के लिए मैंने जब फिल करी है तो मेंबर फीस टोटल चार्जेस मुझे पे करने पड़ रहे हैं कैंटर सफारी के लिए मॉर्निंग के लिए 28th of June के लिए 478 मेंबर फीस लगा। कैमरा के मैंने इंक्लूड नहीं किया, वरना कैमरा के फीस इंक्लूड हो जाते इसमें। सफारी फीस है 58 रुपीस, व्हीकल रेंट फीस है दो लोगों के 400 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो 800 रुपये लगे हैं। GST 40 रुपये लगे हैं और गाइड फीस 86 रुपीस। तो टोटल अमाउंट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 1478 जो हमें पे करना है मॉर्निंग सफारी जोन 2 की कैंटर में। और ये हमें सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देना है और एंटर करना है पे नाउ के लिए। जैसे आप यहाँ पे पे नाउ क्लिक करोगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। इधर भी ऑप्शंस है आपको नेट बैंकिंग पे करने के लिए, UPI QR कोड से भी पे कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर नेट बैंकिंग या किसी भी कार्ड से पेमेंट करना है तो सिंपली पे नाउ में क्लिक करिए आप। 1484 मेरा टैरिफ पड़ रहा है दो लोगों के लिए कैंटर सफारी के लिए, और मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट पोर्टल पेज आपके पास खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आप अपनी कार्ड डिटेल्स डालकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी नेक्स्ट वीडियो हमने डाले वो सबसे पहले आपके पास पहुँच चुके।